हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बीट्स ऑफ बोर्ड। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास टेंथ इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 2 की, जो कि है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम जो हमारा भारतीय अर्थशास्त्र है उसके जो वेरियस सेक्टर्स प्रेजेंट हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, और किन किन सेक्टर्स में उनको क्लासिफाई किया गया है, और हर सेक्टर के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, यानी जो हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनको कितने वो किन सेक्टर्स में वो क्लासिफाइड हैं, और वो क्या होते हैं वो सेक्टर्स। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो कि हम डायरेक्टली जो है अपने नेचुरल रिसोर्सेज के एक्सप्लोइटेशन से करते हैं, जैसे कि हमारा कॉटन की खेती, कॉटन कल्टिवेशन हो गया, यानी रुई की खेती जो हो गई, इसे हम डायरेक्टली जो है नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंड होकर करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारा कॉटन का कल्टिवेशन है, तो मेनली इसमें जो दो रॉ प्रोडक्ट्स हैं वो हम यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारा लैंड हो गया और सनलाइट हो गया। तो ये जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, तो उनके एक्सप्लोइटेशन से चूँकि हम यहाँ पे कॉटन का कल्टिवेशन कर रहे हैं, तो ये जो है क्रॉप सीजन में होता है, इट टेक्स प्लेस विथ इन ए क्रॉप सीजन। तो ऐसे वो सारे रिसोर्सेज जो कि हम नेचुरल एक्सप्लोइटेशन को यूज़ करके करते हैं, उन्हें हम प्राइमरी सेक्टर में जो है इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा कॉटन कल्टीवेशन होगा, ये हो गया, ये हमारा प्राइमरी सेक्टर का एक एग्जांपल हो गया। जो हमारे प्राइमरी सेक्टर होते हैं इन्हें हम एग्रीकल्चरल सेक्टर भी बोलते हैं, क्योंकि मेनली जो प्राइमरी सेक्टर्स होते हैं वो मेनली जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होते हैं वही जो है हमारे प्राइमरी सेक्टर्स में इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे दिया हुआ है, दिस इज़ बिकॉज इट फॉर्म्स द बेस फॉर ऑल प्रोडक्ट्स दैट वी सब्सिक्वेंट मेक। तो जो हमारे प्राइमरी सेक्टर्स जो हैं, मतलब जैसे हमारी कॉटन की खेती हो गई जैसे, तो ये सारे रिसोर्सेज या जो नेचुरल रिसोर्सेज के एक्सप्लोइटेशन से जो प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता है उन्हें हम प्राइमरी सेक्टर क्यों बोलते हैं, उन्हें हम प्राइमरी क्यों बोलते हैं। तो चूँकि ये जो सारे जो हमारे गुड्स जो और जो प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं नेचुरल रिसोर्सेज के एक्सप्लोइटेशन से, उन्हीं को जो है हम बेस के रूप में दूसरे प्रोडक्ट्स के निर्माण में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसे हम प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, और चूँकि जो हमारे जो बहुत सारे जो सिंस मोस्ट ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट्स वी गेट आर फ्रॉम एग्रीकल्चर, मतलब बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे उन्हें हम चूँकि खेती से प्राप्त करते हैं, एग्रीकल्चर से, कृषि से, जैसे कि हमारा डेयरी हो गया, यानी मिल्क प्रोडक्ट से रिलेटेड, फिशिंग हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, तो ये सब चूँकि जो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, इसलिए हम प्राइमरी सेक्टर को जो है एग्रीकल्चर सेक्टर बोलते हैं। ठीक है ना, एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा दिया हुआ है, द सेकेंडरी सेक्टर्स कवर्स एक्टिविटीज इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज्ड इनटू अदर फॉर्म्स थ्रू वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दैट वी एसोसिएट विद इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। यानी जो हमारे प्राइमरी सेक्टर में गुड्स और प्रोडक्ट बन गए, उनके ट्रांसफॉर्मेशन से जब हम दूसरे प्रोडक्ट्स और गुड्स का फॉर्मेशन करते हैं, तो ये जो सारा जो हमारा प्रोसेस होता है इसे जो है हम सेकेंडरी सेक्टर में जो है इंक्लूड करते हैं। ठीक है, जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर होता है इसे हम मेनली, ये जो सेकेंडरी सेक्टर में जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो मेनली हमारे इंडस्ट्रीज़ वगैरह में बनते हैं, इसलिए हम सेकेंडरी सेक्टर को जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं। क्योंकि जैसे मान लीजिए कि अगर गन्ने की खेती को हम लें, तो गन्ने की खेती जो है हमारी वो हमारी प्राइमरी सेक्टर में आ जाएगी, क्योंकि वहाँ पे जो है हम नेचुरल रिसोर्सेज के एक्सप्लोइटेशन से जो है शुगर केन को का ग्रोथ कर रहे हैं। और फिर जब शुगर केन से जब चीनी बनाने की बात आती है, यानी शुगर केन से जब हम शुगर या गुड़ बनाते हैं या चीनी बनाते हैं, तो इसमें जो है हम मतलब जो हमारा प्राइमरी सेक्टर से जो हमारा ग्रोथ किया हुआ शुगर केन है उसकी मदद से हम शुगर या चीनी का फॉर्मेशन करते हैं, तो ये हमारे सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगा। ठीक है, और चूंकि शुगर केन से शुगर बनने का काम जो है हमारे इंडस्ट्रीज़ वगैरह में ही होता है, तो हम देखते हैं कि जो सेकेंडरी सेक्टर के जो प्रोडक्ट्स और गुड्स है वो इंडस्ट्रीज में बनते हैं, इसलिए जो हम इसे इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के बाद एक तीसरे कैटेगरी की जो एक्टिविटीज जो प्रेजेंट होती है, जो कि जिसे जो है हम टर्टियरी सेक्टर में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स में जो गुड्स और प्रोडक्ट बनते हैं उन्हीं के ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड, स्टोरेज, इन सब के लिए जो है जो एक्टिविटीज़ की जाती हैं, तो उन एक्टिविटीज़ को जो है हम टर्टियरी सेक्टर में जो है इंक्लूड करते हैं। ठीक है, वहीं यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए कि ट्रांसपोर्ट यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक उन प्रोडक्ट्स को ले जाने के लिए, उनका स्टोरेज, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ट्रेड यानी उसका व्यापार, ये सब जो एग्जांपल्स हैं हमारे, ये हमारे टर्टियरी सेक्शन में आते हैं। ठीक है, ये हमारी थर्ड कैटेगरी का जो है सेक्टर है इंडियन वो इकोनॉमिक का। ठीक है, तो अब यहाँ पे दिया हुआ है कि चूंकि ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं ये
ये जो है प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के गुड्स और प्रोडक्ट्स के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, इसलिए हम जो हमारा टर्टियरी सेक्टर है इसे हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से हम ऐसे रिवाइज कर लेते हैं कि जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम एग्रीकल्चरल सेक्टर बोलते हैं। जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है उसे जो है हम इंडस्ट्रियल सेक्टर बोलते हैं। और थर्ड जो कि हमारा टर्टियरी सेक्टर है, चूँकि ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं इसलिए हम इसे सर्विस सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, अब जो है हम इन तीनों सेक्टर्स का कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, तो द वेरियस प्रोडक्शन एक्टिविटीज इन द प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्टियरी सेक्टर्स प्रोड्यूस वेरी लार्ज नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी जो एक्टिविटीज़ हम अपने प्राइमरी सेकेंडरी और टर्टियरी सेक्टर्स में करते हैं इनके द्वारा जो है एक बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में जो है गुड्स और सर्विसेज यानी सामान और सर्विसेज यानी नौकरी वगैरह इन सब का जो है प्रोडक्शन होता है। ठीक है, और ये जो तीनों सेक्टर्स होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा संख्या में जो लोगों को है वो खुद में मतलब वो उनमें कार्य करते हैं इन तीनों सेक्टर्स में। ठीक है, गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे देर इज़ वन प्रिकॉशन वन हैज़ टू टेक, नॉट एवरी गुड दैट इज़ प्रोड्यूस एंड सोल्ड नीड टू बी काउंटेड। मतलब यहाँ पर एक जो प्रिकॉशन है हमारा कि जो सारे गुड्स और प्रोडक्ट्स हैं उनको जो है हम उन सब की जो काउंटिंग नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम कोई मान लीजिए अगर कोई इंसान जो है वो गेहूं को प्राइमरी सेक्टर के रूप में जो है वो गेहूं को जो है गेहूं को बोता है, उसका ग्रोथ करता है और फिर उसे एट रुपीज़ पर केजी के रूप में जो है वो एक ग्राइंडर को बेच, मतलब एक जो है किसी मिल वाले को बेच देता है, चक्की वाले को, और वो जो है उस गेहूं को पीस के जो है उसका आटा बना देता है और फिर वो किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को जो है वो आटा 10 रुपीज़ पर केजी के रूप में दे देता है। ठीक है, फिर जो वो इंडस्ट्रियलिस्ट है हमारा वो उस जो शुगर है हमारा जो हमारा फ्लोर है जो आटा था हमारा उसमें शुगर वगैरह और भी सारे वैरायटीज़ मिला के जो है उससे बिस्किट्स या कुकीज़ बना देता है और उससे फिर जो है वो 60 रुपीज़ पर केजी में जो है उसे सोल्ड कर देता है किसी भी ग्राहक को। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रिकॉशन ये है हमारा कि जो हमारा 8 रुपीज़ और 10 रुपीज़ था उसको जो हम काउंट नहीं करेंगे। जो हमारा फाइनल गुड्स और जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है जो कि हमारा बिस्किट है उसे जो है उसके दाम को जो है उसे का उसको जो है हम काउंट करेंगे, यानी 60 रुपीज़ को हम काउंट करेंगे और 8 और 10 को हम यहाँ पे इसलिए नहीं काउंट करेंगे क्योंकि वो जो है इसी जो हमारा ये जो फाइनल जो हमारा प्राइस है उसमें जो है वो इंक्लूडेड है। ठीक है, तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि इट मेक्स सेंस ओनली टू फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, यानी जो केवल हमारे अंतिम जो हमारे वस्तुएं और सर्विसेज होती हैं केवल उन्हीं को जो है हम काउंट करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे दिया हुआ है वही एग्जांपल के लिए यहाँ पर जो मैंने भी बताया। ठीक है, तो वही एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ हमारा कि इंटरमीडिएट गुड्स आर यूज अप इन प्रोड्यूसिंग फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स दैट आर यूज इन मेकिंग द फाइनल गुड्स। जो इंटरमीडिएट गुड्स आर यूज्ड अप, यानी जो हमारा फाइनल गुड्स और सर्विसेज होते हैं जैसे कि हमारा बिस्किट का फॉर्मेशन हो गया तो उसको बनाने के लिए बहुत सारे इंटरमीडिएट गुड्स जैसे कि हमारा गेहूं हो गया था, आटा हो गया था, चीनी हो गया था, तो इन सब का यूज किया जाता था। वही यहाँ पे बोल रहा है कि फाइनल गुड्स और सर्विसेज बनाने में जो है इंटरमीडिएट गुड्स का भी जो है यूज किया जाता है, लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स के जो प्राइस होता है उनको हम इंडिविजुअली नहीं लेते हैं, हम जो फाइनल गुड्स होते हैं जो हमारे फाइनल गुड्स होते हैं सिर्फ उसी के जो हम प्राइस को कंक्लूड करते हैं। ठीक है, और जो हमारा फाइनल गुड्स या सर्विसेज होते हैं जो मतलब जो हमारा जो अंत में जो हम वस्तु या कोई भी सर्विस का फॉर्मेट जब प्रोडक्शन करते हैं तो वो द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन इस सेक्टर ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड द टोटल प्रोडक्शन ऑफ सेक्टर फॉर दैट ईयर। यानी प्रति वर्ष जो है जो फाइनल गुड्स और प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं उसी में जो है हमारे जो प्राइमरी जो गुड्स और सर्विसेज उसमें इंक्लूड थे उनके भी जो वैल्यूज और प्राइजेज हैं वो उसी में जो हमारा फाइनल प्राइज है उसमें इंक्लूड कर लिया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है कि द सम ऑफ प्रोडक्शन इन द 3 सेक्टर्स गिव्स व्हाट इज द ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो GDP के बारे में आप सभी ने सुना होगा, GDP का फुल फॉर्म जो है हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है यानी सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, तो किसी भी कंट्री का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हम किसे कहते हैं। ठीक है, तो प्रति वर्ष जो जितने भी गुड्स और सर्विसेज जो प्रोड्यूस होते हैं उनका जो सम होता है यानी उन सब का जो टोटल सम होता है उन तीनों प्राइमरी टर्टियरी और प्राइमरी सेकेंडरी और टर्टियरी सेक्टर्स को मिला के उन्हें जो हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, या हम ऐसे कर सकते हैं कि एक साल में जो जितने भी गुड्स और सर्विसेज का फॉर्मेशन होता है उन सब के सम टोटल को जो है हम किसी भी कंट्री का GDP बोलते हैं। ठीक है, GDP के आधार पर ही कोई कंट्री जो है कितना डेवलप्ड है उसके आधार पर जो है ये डिसाइड होता है। ठीक है,
तो जीडीपी उसका यहाँ पे बताया हुआ है सिंपल डेफिनेशन के रूप में कि इट इज़ द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन ए कंट्री ड्यूरिंग ए पार्टिकुलर ईयर। यानी एक किसी एक पार्टिकुलर ईयर में, किसी एक साल में जो है किसी एक कंट्री के द्वारा कितने जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज जो हैं वो प्रोड्यूस किए गए हैं उन सब की कीमत क्या है उसे जो है हम जीडीपी में इंक्लूड करते हैं, वही हमारा जीडीपी होता है। ठीक है, तो जीडीपी के द्वारा जो है जीडीपी ही हमारा बताता है कि कोई कंट्री जो है उसका इकोनॉमी जो है कितना बड़ा है या ठीक है, या वो कितना डेवलप्ड है या कितना वो है डेवलप्ड है या डेवलपिंग है। ठीक है, अब भारत के में यहाँ पर प्राइमरी सेकेंडरी और टर्टियरी सेक्टर्स की बात की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है ओवर द 40 इयर्स बिटवीन 1971-72 एंड 2011-12 वाइल प्रोडक्शन इन ऑल द थ्री सेक्टर्स हैज इंक्रीज, इट हैज इंक्रीज द मोस्ट इन द टर्टियरी सेक्टर। यानी 1971-72 साल से लेकर 2011-12 के बीच ये जो हमारा टाइम पीरियड है इसमें जो है सबसे ज़्यादा इंक्रीजमेंट जो है वो हमारे टर्टियरी सेक्टर में आया हुआ है। ठीक है, तो इसी के कारण जो है 2011-12 में जो टर्टियरी सेक्टर है हमारा वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर के रूप में जो है उसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, यानी हमारे इंडिया का जो सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर अगर हमारे एग्जाम में आए तो हम टर्टियरी सेक्टर बोलेंगे। ठीक है, टर्टियरी सेक्टर को जो है हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, और देयर कुड बी और ये टर्टियरी सेक्टर जो है वो हमारा इतना महत्वपूर्ण क्यों है भारत में, इसके बहुत सारे रीजन्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला रीज़न बताया हुआ है कि बताया हुआ है कि किसी भी कंट्री में जो है बहुत सारे जो सर्विसेज हैं वो प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि हॉस्पिटल हो गए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गए यानी स्कूल कॉलेज वगैरह, पोस्ट टेलीग्राफ सर्विसेज यानी कम्युनिकेशन के लिए, इन सब की ज़रूरत होती है। और ये सब जो है कोई भी कंट्री जितना ही डेवलप्ड होगा उन सब में जो है इन सब की जो डिमांड है वो उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज होगी। और चूंकि ये सब जो है हमारे टर्टियरी सेक्टर्स में आते हैं तो इसलिए जो है हम कह सकते हैं कि जो टर्टियरी सेक्टर है हमारा वो उसका लार्जेस्ट प्रोड्यूस उसका लार्जेस्ट सेक्टर होना मतलब एक आम बात है। ठीक है, तो ये जो हमारे एजुकेशनल हॉस्पिटल्स हेल्थ वगैरह ये सब जो है तो ये सब जो है हमारे बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, बेसिक सर्विसेज हैं। तो किसी भी डेवलपिंग कंट्री में जो है गवर्नमेंट जो है वो इन सब को इंक्रीज करती है जो कि हमारे टर्टियरी सेक्टर में आता है, इसलिए जो हमारे टर्टियरी सेक्टर है वो सबसे लार्जेस्ट सेक्टर है। ठीक है, अब दूसरा कारण यहाँ पे बताया हुआ है कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के डेवलपमेंट में, यानी जो हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी जो हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर है उसका जब डेवलपमेंट होगा तो टर्टियरी सेक्टर का भी डेवलपमेंट होगा। क्योंकि जब हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में जब गुड्स और सर्विसेज जो है वो ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होंगे तो उनके ट्रांसपोर्ट, ट्रेड और स्टोरेज की भी अधिक आवश्यकता होगी, यानी टर्टियरी सेक्टर की भी डिमांड बढ़ेगी। तो हमारा टर्टियरी सेक्टर इस सेकेंड केस में भी जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे तीसरा केस बताया हुआ है कि एज इनकम लेवल राइजेस सर्टेन सेक्शंस ऑफ पीपल स्टार्ट डिमांडिंग मेनी और सर्विसेज। यानी हम देखते हैं कि जो जैसे भारत है हमारा तो ये लगातार जो है वो डेवलपमेंट करता जा रहा है, चूंकि ये एक डेवलपिंग कंट्री है तो यहाँ पर जो है डेवलपमेंट करने के साथ साथ जो है यहाँ पर लोग जो है उनकी जो इनकम है वो इंक्रीज करते जा रहे हैं तो उनको खर्च भी वो कर रहे हैं। ठीक है, तो इंडिया में जब चूंकि ये डेवलपिंग हो रहा है तो जो सारे लोग हैं बहुत जो वो एक से अधिक जॉब्स कर रहे हैं ताकि वो जो है वो अपनी इनकम को बढ़ा सके। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई बिजनेसमैन में हो गया वो जो है अपना होटल भी खोल लेता है, या अपना कोई डॉक्टर है तो वो हॉस्पिटल भी खोल लेता है, या उसका अपना अपना अलग से प्राइवेट स्कूल भी चलाता है। तो ये सब जो है अपने इनकम को बढ़ाने के लिए अलग अलग जो फील्ड्स हैं उसमें इंक्लूड होते हैं। तो इससे भी जो है हमारा ये सब चूँकि फील्ड जो है हमारे टर्टियरी सेक्टर में आते हैं तो इस केस में भी इनकम में बढ़ने की वजह से भी जो है टर्टियरी सेक्टर जो है हमारा उसमें इंक्रीजमेंट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे फोर्थ रीजन दिया हुआ है हमारा कि ओवर द पास्ट डिकेड्स और सो सर्टेन न्यू सर्विसेज सच एज दोज बेस्ड इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैव बीन इंपॉर्टेंट एसेंशियल्स ओवर द पास्ट डिकेड्स। यानी पिछले कुछ डिकेड्स में जो है जो इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है उनमें भी जो है इंक्रीजमेंट हुआ है, तो उसकी वजह से भी जो हमारा टर्टियरी सेक्टर है उसमें जो है ग्रोथ हो रहा है, डेवलपमेंट उसमें हो रहा है टर्टियरी सेक्टर में। ठीक है, ए रिमार्केबल फैक्ट अबाउट इंडिया इज दैट वाइल देयर हैज बीन अ चेंज इन द शेयर ऑफ थ्री सेक्टर्स इन जीडीपी अ सिमिलर शिफ्ट हैज नॉट टेक प्लेस इन एम्प्लॉयमेंट। यानी जो हमारे जो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्टियरी सेक्टर्स हैं उन सब का जो जीडीपी में हमारा जो उनमें जो उनकी भागीदारी है उनका जो शेयर है वो जो है चेंज होता रहता है, इसलिए जो इन तीनों सेक्टर्स में जो एम्प्लॉयमेंट का केस है वो भी जो है उसमें भी चेंजेस आते रहते हैं। ठीक है, जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है वो सबसे लार्जेस्ट इम्प्लॉयर, यानी जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है उसमें सबसे ज़्यादा जो है रोज़गार मिलता है आज प्रेजेंट समय में। ठीक है, यानी प्राइमरी सेक्टर जो है सबसे ज़्यादा इम्प्लॉयमेंट जो है प्रोवाइड करता है। ठीक है, हमारी कंट्री में जो है
मतलब हमारी कंट्री में जो आधे से अधिक जो वर्कर्स हैं वो प्राइमरी सेक्टर में मेनली एग्रीकल्चर में जो है वो मेनली एग्रीकल्चर में मतलब प्राइमरी सेक्टर में जो है वो वर्क करते हैं, ठीक है। और जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है वो हमारे जीडीपी में जो है उसका 1/4 रेशियो में जो है वो जीडीपी में जो है उसका पार्टिसिपेशन है, ठीक है। और जो हमारा सेकेंडरी और टर्टियरी सेक्टर है ये लगभग जो है 3/4 जो मतलब जो हमारे सेकेंडरी और टर्टियरी सेक्टर्स हैं वो 3/4 जो प्रोडक्ट्स हैं उनका प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन फिर भी जो है आधे से अधिक लोग जो है आधे से अधिक वर्कर्स मिलकर जो है इन दोनों सेक्टर्स में काम करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि इट मीन्स दैट देयर आर मोर पीपल, मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि जो हमारा कृषि है एग्रीकल्चर है उसमें जो है हद से ज़्यादा लोग जो है वो काम करते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई फील्ड है तो इसमें जो है इसमें सिर्फ अगर 5 लोग जो है अगर 5 लेबर्स भी हों तो भी जो है वो इसमें कम्प्लीटली जो है इसमें क्रॉप्स का ग्रोथ कर सकते हैं, लेकिन इसमें 5 की जगह पर 8 वर्कर्स जो है काम कर रहे हैं, ठीक है। यानी जो है जितने वर्कर्स इसमें काम करना चाहिए उससे अधिक वर्कर जो है इसमें काम कर रहे हैं, यानी जो एक्स्ट्रा 3 इसमें जो लेबर्स हैं उनको हटा भी दिया जाए तभी भी जो है जो ये हमारा क्रॉप्स का ग्रोथ है उसमें कोई चेंज जो है नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे जैसे कि यहाँ पे 5 और 8 का एग्जांपल हम लोग दे के समझ रहे थे, तो यहाँ पे 3 लोग जो है एक्स्ट्रा जो है यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो इन 3 ये 3 लोग जो यहाँ पे एम्प्लॉयड है उनको जो है हम डिस्क्वीज अनएम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयड कहेंगे। यानी ये दिखता तो है कि ये रोजगार इनके पास है, लेकिन अगर इसको इन्हें जो है रोजगार से हटा भी दिया जाए तभी भी जो है उस एग्रीकल्चर पे जो है कोई जो है फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हम देखते हैं कि वी सी दैट अदर पीपल ऑफ द सर्विस सेक्टर ऑन द स्ट्रीट पुशिंग ए कार्ट और सेलिंग समथिंग वेयर दे मे स्पेंड द होल डे बट अर्न वेरी लिटिल। मतलब अब यहाँ पे हम दूसरे लोगों को देखते हैं जो कि सर्विस सेक्टर में इंक्लूडेड हैं, वो जो है वो दिन भर जो है वो दिन रात जो है वो सड़क पर कार्ट को पुश करते हैं, यानी बैलगाड़ी वगैरह चलाते हैं, ठीक है, या कुछ ऐसे ही दिन भर जो है बेचते रहते हैं लेकर सामान, ठीक है। तो और लेकिन दिन भर की मेहनत के बाद भी जो है वो बहुत ही कम अर्निंग जो है वो कमा पाते हैं, जो कि उनकी डेली रिक्वायरमेंट्स उनके बेसिक रिक्वायरमेंट्स को भी फुलफिल नहीं कर पाते, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि दे आर डूइंग दिस वर्क बिकॉज दे डू नॉट हैव बेटर अपॉर्चुनिटीज। तो वो ऐसा क्यों काम कर रहे हैं, वो ऐसी सड़क पर बैलगाड़ी क्यों खींच रहे हैं, क्यों वो छोटे छोटे मोटे सामान जो है लेकर दिन भर जो वो बेच रहे हैं। तो ऐसा इसलिए क्योंकि उनके पास कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं है, उनके पास कोई काम नहीं है करने के लिए, ठीक है। तो अब इसको हटाने के लिए यहाँ पर दिया हुआ है कि हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, यानी अधिक से अधिक रोजगार का जो निर्माण जो है कैसे किया जा सकता है, ठीक है। अ वे बाई विच वी कैन टैकल दिस प्रॉब्लम इज टू आइडेंटिफाई प्रमोट एंड लोकेट इंडस्ट्रीज इन लार्ज, मतलब इसका एक सुझाव बताया गया है कि हम जो है इंडस्ट्रीज का फॉर्मेशन करके जो है उसमें अधिक से अधिक लोगों को जो है उसमें एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर सेकंड जो इसका जो दिया गया आइडिया कि ए स्टडी कंडक्टेड बाय द प्लानिंग कमीशन, यानी प्लानिंग कमीशन जो है हमारा उसके द्वारा, मतलब प्लानिंग कमीशन जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारा, तो उसके द्वारा एक एस्टिमेशन दिया गया था, उसके द्वारा एक मेजर दिया गया था कि लगभग 2,000,000 जॉब्स जो है वो सिर्फ जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो है 2,000,000 एम्प्लॉयमेंट जो जॉब्स हैं वो दिए जा सकते हैं, ठीक है। एवरी स्टेट और रीजन हैज़ द पोटेंशियल फॉर इंक्रीजिंग द इनकम, यानी जो हमारा प्रत्येक राज्य है या प्रत्येक जो क्षेत्र है हमारा उसके पास जो है वो इनकम इंक्रीज करने का जो पोटेंशियल उनके पास अवेलेबल है, ठीक है, और वो जो है अधिक से अधिक लोगों को जो है उस एरिया में जो एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, ठीक है। द सेम स्टडी बाय द प्लानिंग कमीशन सेज दैट इफ टूरिज्म एज अ सेक्टर इज इंप्रूव्ड एवरी ईयर वी कैन गिव एडिशनल एम्प्लॉयमेंट टू मोर देन 5,00,000 पीपल। जो हमारा प्लानिंग कमीशन है उसी के द्वारा एक और बात कहा गया कि अगर टूरिज्म सेक्टर को जो है अगर उस टूरिज्म सेक्टर को अगर इम्प्रूव किया जाए तो उसमें भी जो है हम प्रत्येक वर्ष जो है 5,00,000 से अधिक लोगों को जो है रोजगार प्राप्त करा सकते हैं, ठीक है। वी मस्ट रियलाइज दैट सम ऑफ द सजेशंस डिस्कस्ड एवर वुड टेक ए लॉन्ग टाइम टू इम्प्लीमेंट। तो हमें ऐसा ये एहसास होता है कि जो ये ऊपर जो ये तीनों जो चारों जो हमें ये सजेशंस दिए गए हैं इनको इम्प्लीमेंट करने में, मतलब इस तरीके से रोजगार देने में जो है बहुत ही ज़्यादा समय लग सकता है, ठीक है। रिकॉग्नाइजिंग दिस, मतलब इसको ध्यान में रखते हुए जो है हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो हमारा जो भारत की केंद्र सरकार है, उसने कुछ लॉ बनाए हैं, कुछ लॉ को इम्प्लीमेंट किए हैं, जैसे कि हमारा राइट टू वर्क यानी काम करने का अधिकार, ठीक है। तो इसके तहत जो है 2005 में जो है मनरेगा का इम्प्लॉयमेंट किया गया था। मनरेगा हमारा उसका फुल फॉर्म है यहाँ पे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है। तो मनरेगा जो है हमारा इसका स्थापना जो है 2005 में की गई थी, ठीक है। तो मनरेगा एक्ट जो है हमारा इसके तहत जो है जो लगभग 200 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है यानी 200 जिलों में जो एक साल में प्रत्येक जो हमारा व्यक्ति है जिसे रोजगार की जरूरत है उसे एक साल में जो है कम से कम 100 दिन रोजगार देने का जो है
इसमें जो है प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो इसमें एक अच्छी बात यह है कि अगर गवर्नमेंट हमारी जो है अगर किसी भी व्यक्ति को 365 दिन में से यानी एक साल में से अगर 100 दिन भी जो अगर उसे जो इम्प्लॉयमेंट अगर नहीं दिला सकती तो उसे वो जो है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस यानी बेरोजगारी भत्ते के रूप में जो है कुछ देगी, जिससे कि वो जो है अपनी आजीविका को चला सके, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारे सेक्टर्स हैं उनको जैसे कि उनको जो है प्राइमरी सेकेंडरी और टर्टरी सेक्टर्स में तो डिवाइड किया गया था, उनको अब जो है एक अलग लेवल पर जो है और एक और उनका क्लासिफिकेशन प्रेजेंट है, जैसे कि उनका जो है ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज यानी संगठित और असंगठित, इन दो पार्ट्स में भी इन सेक्टर्स को जो है वो डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है, तो ये ऐसे वैसे प्लेसेस या जहाँ पर जो काम करने के लिए जो है जहाँ पर रोजगार वहाँ पर जो है एक रेगुलर एम्प्लॉयमेंट जो है मिलता है पीपल को और उन्हें जो है काम कराने का जो है उन्हें एकदम गारंटेड जो है आश्वासन उन्हें दिया गया होता है, ठीक है। इसे हम ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है कुछ फॉर्मल प्रोसेस प्रोड्यूसर जो है वो होते हैं यानी कुछ फॉर्मल प्रक्रियाएं और जो होती हैं उनके तहत जो है उन्हें रोजगार दिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो है जो पेमेंट और जो हमारा जो वर्किंग आवर्स है इन सब की जो है उन सब के बारे में जो है रिटर्न में जो है बता दिया जाता है, ठीक है, फॉर्मल तरीके से। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो होता है हमारा ये जो होते हैं ये छोटे मोटे जो काम करने वाले होते हैं जैसे कि हमारा दुकान वगैरह हो गया, ये सब जो है जिस पर जो है हमारे गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता, इन्हें जो है हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में होते हैं उन्हें जो है वहाँ पर जो इम्प्लॉयमेंट होता है मतलब वहाँ पर जो रोजगार करते हैं उन्हें जो है बहुत ही कम जो है उन्हें तनख्वाह दी जाती है और वो रेगुलर भी नहीं होती, ठीक है। और जो हमारे अनऑर्गेनाइज्ड जो सेक्टर है वहाँ पर इम्प्लॉयमेंट यहाँ पर जो हमारे जो नौकरी होता है वो सिक्योर भी नहीं होता क्योंकि वहाँ पर जो है किसी भी गवर्नमेंट का जो है अधिकार नहीं होता और जो उसका मैनेजर होता है वो उस पर अपना मनमाना जो है वो अपनी इच्छा के अनुसार जो चाहे मन वो करता है, ठीक है। और जो हमारा दिस सेक्टर इंक्लूडेड लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु आर एम्प्लॉयड ऑन देयर ऑन ड्यूरिंग स्मॉल जॉब्स यानी जो हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर इसमें बहुत लार्ज नंबर मतलब लोगों की बहुत बड़ी संख्या जो है हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो है एम्प्लॉयड है उसमें जो है काम करती है, ठीक है, क्योंकि उनके पास जो है कोई गवर्नमेंट के द्वारा उनके पास जो है कोई जॉब नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि हाउ टू प्रोटेक्ट अनऑर्गेनाइज सेक्टर यानी अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो हमारा उसके जो वर्कर्स हैं उनको कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं हमारे वो ऑफर जॉब दैट आर मोस्ट सॉट आफ्टर यानी केवल मांग होने पर जो है हमारे ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वो जॉब जो है ऑफर करते हैं, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉमन टू फाइंड मेनी ऑर्गेनाइज सेक्टर इंटरप्राइजेज इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर यानी हम सामान्यतः ये भी देख सकते हैं कि जो हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो भी जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हुए उन्हें भी हम देखे जा सकते हैं, ठीक है। चूंकि 1990 से जो है जो लार्ज नंबर्स हैं since the 1990s it is also common to see a large number of workers losing their jobs in the organized sectors yani 1990 se ye bahut hi common hai hum ye dekhte hain ki jo organized sector ke jo employment se jo apna jo workers hain wo apne job ko jo hai lose kar dete hain use chhod dete hain theek hai jo hamara rural area jo hoga yani जो ग्रामीण इलाके हो गए वहाँ हमारे वहाँ पर जो मेनली जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे लैंडलेस एग्रीकल्चर यानी वैसे लोग जिनके पास खुद की जमीन नहीं होती वो दूसरे की जमीन पर खेती करते हैं तो वो भी जो है हमारा एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर का ही जो है एक हिस्सा है, ठीक है। तो उसमें भी जो लेबरर्स हैं उन्हें बहुत ही मेहनत करना पड़ता है और उससे जो है उन्हें अच्छे से जो है मतलब उन्हें शेयर क्रॉपर्स लैंड रेबर्स स्मॉल एंड मार्जिनल फाइबर शेयर क्रॉपर्स एंड आर्टिसन यानी जो इसमें जो छोटे छोटे किसान होते हैं वो दूसरे की जमीन पर जो है वह लेकर जो है शेयर क्रॉपर्स यानी उस पर जो है बुआई करते हैं और जो जो उससे जो क्रॉप का जो ग्रोथ होता है उसको जो है उसकी भी शेयरिंग होती है उसके जो मतलब जो उसका जो लैंड ऑनर होता है और जो जो ये जो हमारे जो लेबरर्स हैं उनके भी जो है क्रॉपिंग का जो है क्रॉप्स का जो है शेयरिंग होता है, ठीक है। तो ये भी जो है हमारे अनऑर्गेनाइज में इंक्लूडेड है, ठीक है। लगभग जो 80% जो ग्रामीण इलाकों के जो घर हैं मतलब 80% जो लोग हैं वो इसी जो है स्मॉल मार्जिनल फार्मर कैटेगरी में आते हैं यानी वो छोटे छोटे किसानों के रूप में जो अपने जीवन का निर्वाह करते हैं, जबकि जो हमारा अर्बन एरियाज है जो हमारे शहरी इलाके हैं वहाँ पर जो है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं वो स्मॉल स्केल यानी छोटे मोटे जो काम धंधे होते हैं उसमें जो है वो इंक्लूडेड होते हैं, जबकि वो भी जो हमारा वो एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी होता है। जैसे कि हमारे इंडस्ट्रीज और कैजुअल वर्कर्स में जो या कंस्ट्रक्शन या ट्रेड ट्रांसपोर्ट वगैरह में जो लोग काम करते हैं, ठीक है, तो वो भी जो है हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में इंक्लूड होते हैं, लेकिन ये जो है ये अर्बन एरियाज के जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में इंक्लूड होते हैं, ठीक है। उसी के एग्जांपल्स यहाँ पे दिया हुआ है, स्ट्रीट वेंडर्स यानी जो रोड पे घूम घूम कर जो बेचने वाले होते हैं या हेड लोड वर्कर्स यानी जो कूली वगैरह हो गए, ठीक है, या गारमेंट मेकर्स और रैग पिकर्स। अब यहाँ पे दिया हुआ है सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ऑनरशिप पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स, ठीक है।
यानी ऑनरशिप के आधार पर भी जो हमारे सेक्टर्स हैं उनको पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स में जो है ऑनरशिप के आधार पर यानी उसका मालिक कौन है इसके आधार पर भी जो है सेक्टर्स को जो है डिवाइड किया गया है, उनको क्लासिफाइड किया गया है, जैसे कि हमारे पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर हो गए, ठीक है। तो अब यहाँ पे पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। तो इन द पब्लिक सेक्टर द गवर्नमेंट ऑन मोस्ट ऑफ द एसेट्स एंड प्रोवाइड ऑल सर्विसेज। पब्लिक सेक्टर में जो है गवर्नमेंट हमारा जो है सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है, और प्राइवेट सेक्टर में जो उस सेक्टर का जो उस बिजनेस का जो मालिक होता है वो जो है सर्विसेज की डिलीवरी करता है और वो अपने जो है प्राइवेट इंडिविजुअल्स रखता है और उनके द्वारा जो है वो मतलब अपने रूल्स बनाता है और जो सारे जो मतलब वो रूल्स बनाता है और वो सारे फैसिलिटीज उन्हें देता है, ठीक है। अब जो प्राइवेट सेक्टर है उनकी एक्टिविटीज इन द प्राइवेट सेक्टर आर गाइडेड बाय द मोटिव टू अर्न प्रॉफिट्स, यानी जो प्राइवेट सेक्टर है उसका मेन मोटिव जो होता है वो प्रॉफिट अर्न करना होता है, ठीक है। और लेकिन जो पब्लिक सेक्टर होता है हमारा उसका सिर्फ जो मोटिव होता है उसका सिर्फ लक्ष्य प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है गवर्नमेंट रेज मनी थ्रू टैक्सेस एंड अदर वेज टू मीट एक्सपेंसेस ऑन द सब्सिडी अंडर बाइट, यानी जो गवर्नमेंट जो है अब गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट दे रही है उन्हें जो है वो तनख्वाह कहाँ से देती है, तो गवर्नमेंट क्या करती है जो टैक्सेस वगैरह लेती है, गवर्नमेंट रेज मनी थ्रू टैक्सेस, गवर्नमेंट के पास जो है मनी कहाँ से आ रहा है, तो वो टैक्सेस वगैरह लगाकर जो है अपनी इनकम को गवर्नमेंट इंक्रीज करती है और फिर उन्हीं के द्वारा जो है सर्विसेज को जो है संभालती है, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है देर आर सेवरल थिंग्स नीडेड बाय द सोसाइटी एज ए होल बट विच द प्राइवेट सेक्टर विल नॉट प्रोवाइड एज ए रीजनेबल कॉस्ट, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि सोसाइटी को जिसकी ज़रूरत होती है लेकिन प्राइवेट सेक्टर जो है उसे रीजनेबल कॉस्ट पर यानी एक ऐसे अफोर्डेबल कॉस्ट पर जिसे एक सब व्यक्ति अफोर्ड कर सकते हैं उस कॉस्ट पर उसे प्रोवाइड नहीं करती है, उसे जो है वो अपने मन चाहे दाम पर जो है वो प्रोवाइड करती है, ठीक है। और जो है कलेक्टिंग द मनी फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु यूज दिस फैसिलिटीज इज नॉट ईजी, यानी ऐसे हज़ारों लोगों के द्वारा जो कि इन फैसिलिटीज़ को यूज़ करते हैं उनके द्वारा मनी को कलेक्ट करना एक ईजी प्रोसेस जो है वो नहीं है, ठीक है। इवन इफ दे प्रोवाइड दिस थिंग्स दे वुड चार्ज ए हाई रेट फॉर देयर, और यदि उन्हें जो है ये थिंग्स जो है प्रोवाइड की जाती है, उन्हें वस्तुएँ प्रोवाइड की जाती हैं तो इसके लिए भी जो उन्हें बहुत ही ज़्यादा हाई रेट जो है उन्हें पे करना पड़ता है, ठीक है। Thus the government have to undertake such heavy spending and ensure that these facilities are available for everyone. इसलिए जो हमारी government है जो अब अगर वो किसी कोई अगर हैवी स्पेंडिंग करती है यानी अधिक मात्रा में जो कुछ स्पेंड करती है तो उसे वो ये आश्वासन दिलाती है पब्लिक को कि जो ये फैसिलिटीज़ हैं वो प्रत्येक के लिए जो है अवेलेबल कराई जाएंगी, ठीक है। और ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें जो है गवर्नमेंट को भी जो है सपोर्ट करना पड़ता है। द प्राइवेट सेक्टर मे नॉट कंटिन्यू दियर प्रोडक्शन ऑफ बिजनेस अनलेस गवर्नमेंट इंश्योरेंस, यानी जो प्राइवेट सेक्टर है वो तब तक जो है अच्छे से काम नहीं करेंगे अच्छे से प्रोडक्शन नहीं करेंगे जब तक कि जो उनका जो बिजनेस है उसे जो है गवर्नमेंट के द्वारा जो है सपोर्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। और जो गवर्नमेंट है वो मतलब प्राइवेट सेक्टर में भी जो है गवर्नमेंट जो है वो कॉस्टली जो है उन्हें जो है हेल्प करती है, ठीक है, उसका एक बियर द गवर्नमेंट हैज़ टू बियर पार्ट ऑफ द कॉस्ट, यानी प्राइवेट सेक्टर में भी जो कॉस्ट होते हैं उनके जो मतलब जो बिजनेस वगैरह के लिए जो कॉस्ट होते हैं उनमें जो है गवर्नमेंट जो है उसका एक हिस्सा देती है, ठीक है। देर आर लार्ज नंबर ऑफ एक्टिविटीज विच आर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो कि गवर्नमेंट का जो है जो गवर्नमेंट की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है यानी उस पर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है हमारे गवर्नमेंट की होती है वो हमारी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। द गवर्नमेंट मस्ट स्पेंड ऑन दिस, और इस पर जो है हमारे गवर्नमेंट को हमारे सरकार को इस पर जो है खर्च करना पड़ता है। और प्रोवाइडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज फॉर ऑल इज वन एग्जांपल, इसका एक उदाहरण है कि हमारे गवर्नमेंट को के द्वारा जो है सबको जो है हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करना इसका एक एग्जांपल है, ठीक है। और जो हमारा जो हमारी गवर्नमेंट है जो हमारी सरकार है ऑल्सो नीड्स टू पे अटेंशन टू एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी मानव के विकास के लिए भी जो है उसे अटेंशन पे करना पड़ता है हमारे गवर्नमेंट को। और ये हमारे इट इज़ ऑल्सो द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू मेक केयर ऑफ द पुअरेस्ट एंड मोस्ट इग्नोर रीजन्स ऑफ द कंट्री थ्रू इंक्रीज स्पेंडिंग इन सच एरिया, यानी हमारे गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि जो हमारे कंट्री में जो हमारे जो इग्नोर्ड रीजन्स है यानी और इग्नोर्ड और जो पुअर रीजन्स है उस पर जो है ये हमारे गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि उन पर वो और अधिक से अधिक ध्यान दें, उनका जो डेवलपमेंट जो है वो तेज़ी से कराए, उन पर और अधिक खर्च करके, ठीक है। तो फाइनली हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था ये, तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल बिट्स अबाउट, थैंक यू।